गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। टाइम स्केलिंग हमने पहले भी प्रॉपर्टी डिस्कस की है, तो इसमें भी देख लेते हैं। इसमें बेसिकली टाइम स्केलिंग के लिए ये देखेंगे कि आरओसी हमारा टाइम स्केलिंग से चेंज होता है या नहीं चेंज होता है, ये देखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए कोई सिग्नल है एक्स ऑफ टी, उसमें हमने ए जो है हमारा फैक्टर, उससे हमने क्या कर दिया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, वेयर ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए। तो इसके लिए क्या हमने बताया था, जब टाइम स्केलिंग होती है तो उसके लिए हम लिखते हैं वन बाई मॉड ए एक्स ऑफ एस बाई ए, इसके लिए ये लिखते हैं। ये तो हमने प्रॉपर्टी पहले डिस्कस की है। तो अब इसको क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं कि इसमें आरओसी जो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है वो चेंज होता है या नहीं चेंज होता। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टू टी यू टी, यह हमारे पास क्वेश्चन है। अब अगर यहाँ से एक्स ऑफ एस अगर फाइंड करें तो इसका एक्स ऑफ एस क्या होगा, इसका एक्स ऑफ एस होगा वन अपॉन एस प्लस टू वे सिग्मा ग्रेटर देन माइनस टू, ठीक है, यहाँ सिग्मा निकाल लेंगे आर ओ सी। अब अगर यहाँ पे हम एक्स टी सिग्नल में टू से स्केलिंग कर दें, ओके, देन क्या होगा। अब यहाँ टू से स्केलिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, वन बाई टू एक्स ऑफ एस बाई टू हो जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्स ऑफ ए टी है तो ए से हमने स्केलिंग की तो वन बाई मॉडुलस ए एक्स ऑफ एस बाई ए हो गया था, उसी तरीके से वन बाई ए एक्स ऑफ एस बाई ए का फॉर्मेट हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखिए यहाँ पे सिग्मा बाई टू ग्रेटर देन माइनस टू होगा आर ओ सी। आर ओ सी क्यों चेंज होगा यहाँ पे वो देखेंगे। एस इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है, ठीक है। अब यहाँ एस की जगह एस बाई टू हो गया, एस की जगह जब एस बाई टू हुआ तो सिग्मा की जगह क्या होगा, सिग्मा बाई टू प्लस जे ओमेगा बाई टू। मतलब ये आर ओ सी हमारा जो पहले सिग्मा था अब सिग्मा बाई टू हो गया है, इसीलिए यहाँ पे जैसे ही स्केलिंग करेंगे तो आर ओ सी हमारा सिग्मा बाई टू हो जाएगा और ये ग्रेटर देन माइनस टू होगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर यहाँ फाइंड करें वापस से तो एक्स ऑफ एस बाई टू हम क्या लिख सकते हैं, एक्स ऑफ एस बाई टू को वन बाई टू एक्स ऑफ एस ये है, तो एक्स ऑफ एस बाई टू क्या होगा, वन अपॉन एस बाई टू प्लस टू। एक्स ऑफ एस हमारा क्या है, वन अपॉन एस प्लस टू, तो एस बाई टू क्या होगा, एस बाई टू यहाँ पे एस बाई टू कर देंगे, एक्स ऑफ एस बाई टू। इसके लिए एक्स ऑफ एस बाई टू के लिए एस की जगह एस बाई टू रख देंगे, तो एस की जगह हमने एस बाई टू रख दिया है, अभी भी सिग्मा बाई टू ग्रेटर देन माइनस टू है, ठीक है। इसको ये ऐसे कर देंगे। अब यहाँ पे एस की वे यहाँ पे टू इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, वन बाई एस प्लस फोर, क्योंकि ये वाला टू ऊपर जाएगा तो ये टू से टू कैंसिल हो जाएगा, वेयर सिग्मा ग्रेटर देन माइनस फोर, क्योंकि इस टू को इस तरफ भेजेंगे क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन माइनस फोर। पहले क्या था, एक्स ऑफ एस के लिए, एक्स ऑफ एस के लिए सिग्मा ग्रेटर देन माइनस टू था, एक्स ऑफ एस बाई टू मतलब कि स्केलिंग अगर जब हमने की टू से स्केलिंग करने पर यहाँ पे आर ओ सी क्या आया, चेंज हो गया, ग्रेटर देन माइनस फोर। पहले क्या था, माइनस टू मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, उससे ग्रेटर था, अब क्या कह रहा है, माइनस फोर से ग्रेटर है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारा बना, आर ओ सी पहले था ये वाला आर ओ सी हमारा था, अब हमारा हो गया आर ओ सी ये वाला। अब कॉमन आर ओ सी की बात करेंगे देन ये होगा हमारा माइनस टू से इन्फिनिटी तक कॉमन आर ओ सी होगा। अगर कॉमन आर ओ सी यहाँ पे नहीं मिलता देन ये हमारा फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, वो हमारा पॉसिबल ही नहीं है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म तभी पॉसिबल है जबकि हमारा आर ओ सी पॉसिबल हो इसमें, ठीक है, कॉमन आर ओ सी। जैसे ये दो आर ओ सी थे, एक सिग्मा ग्रेटर देन माइनस टू के लिए, एक सिग्मा ग्रेटर देन माइनस फोर के लिए, तो इसमें ये हमारा कॉमन आर ओ सी ये मिल रहा है। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि एक होता ग्रेटर देन टू
ठीक है, एक सिग्नल होता ग्रेटर देन टू के लिए, एक होता माइनस वन से लेस देन इन्फिनिटी के लिए। तो ये सिग्नल में हमारे इन दो सिग्नल में, ठीक है, इन दो सिग्नल में हमारे पास कॉमन आर ओ सी नहीं मिलेगा, इसका अपना अलग रीजन है, इसका अपना अलग रीजन है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, इन दोनों में क्या था, इन दोनों में ये पोर्शन कॉमन आ रहा था, क्योंकि माइनस टू से जब देखते थे तब भी इन्फिनिटी तक ये वाला एरिया आता था, और माइनस फोर से जब देखते थे तब भी ये वाला पोर्शन इन दोनों में कॉमन आता था। तो कॉमन जब मिलेगा तभी हमारा लाप्लास जो ट्रांसफॉर्म हम कर रहे हैं वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या है, ऐसी जब कंडीशन आएगी जब हम आर ओ सी चेक करेंगे, एक इस तरफ पॉजिटिव साइड में है, एक हमारा निगेटिव साइड में पहुंच रहा है, तो उसके लिए आर ओ सी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा कभी भी आता है अगर आर ओ सी, देन हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे आर ओ सी के बारे में। ओके, तो टाइम स्केलिंग के लिए आज बस इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।